अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। बेटे नाइन्थ क्लास पाक स्टडी मुताला पाकिस्तान का बेटे पेपर आज हम देखते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने मुताला पाकिस्तान का बेटे पेपर अटैम्प्ट करना है। आप लोगों ने पेपर लिखना कौन सा बेटे, उसके लिए ना सबसे जो मेजर चीज़ है बेटे स्टेशनरी आपकी बहुत मैटर करती है कि आप किस चीज़ से लिख रहे हैं। बेटे मार्कर आप लोग यूज़ करेंगे 605 मोटे कट वाला मार्कर ये यूज़ करेंगे। 604 बेटे आप लोग यूज़ करेंगे थोड़ा ब्रीक कट वाला होता है। साथ आप लोगों ने ब्लैक यूज़ करना है और साथ इंक पेन। बेटे ये स्टेशनरी है, कोई ज़्यादा आप लोग क्या है कि वो कुछ बच्चे कलर्ड यूज़ करते हैं, इस तरह की चीज़ें बेटे अलाउ नहीं होती। थोड़ा सिंपल आप लोगों का पेपर होना चाहिए, उसका बेटे इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा होता है। बेटे आप लोगों ने पेपर किस तरह से स्टार्ट लेना है आप लोगों को थोड़ा पैटर्न बताऊंगा। बेटे 50 मार्क्स का आप लोगों का पेपर आता है, उसमें से 10 आप लोगों के MCQs वाला पोर्शन है, ठीक है, बाकी आप लोगों का इंशाल्लाह हिस्सा है। बेटे आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पेज के ऊपर बेटे जो मोटे वाला कट है 605 बेटे है, आप लोग बेटे क्या करेंगे इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है, जो काटा आप लोगों का सीधा इस तरह से एक आप लोग बेटे पहली लाइन के ऊपर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, ठीक है, मुताला पाकिस्तान बेटे आप लोग इधर लिख देंगे, मुताला पाकिस्तान, ठीक है बेटे, मुताला पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। बेटे आप लोगों का जो पहला पेज है पेपर सारा ही आप लोगों का अच्छा होना चाहिए, स्टार्ट से लेके एंड तक बेटे आप लोगों का पेपर अच्छा होना चाहिए। बट जो फर्स्ट पेज का बेटे इंप्रेशन होता है ना, वो क्या होता है कि पेपर जो चेकर होता है उसके माइंड में कॉन्सेप्ट बना देता है कि बच्चा या बच्ची बेटे क्या है कि पढ़ने वाले हैं, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। बेटे आप लोग मुताला पाकिस्तान लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आप लोगों का जो MCQs वाला पोर्शन है उसको ना पेपर को मुताला पाकिस्तान के पेपर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। MCQs वाले शॉर्ट क्वेश्चन वाला बेटे जो पोर्शन है उसको हिस्सा अलफ का नाम दे रहा है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है तफसीली सवाल आते हैं उसको हिस्सा बेटे बे का नाम दे रहा है। आप लोग बेटे ब्लैक मार्कर पकड़ेंगे यूं, ठीक है, क्या करेंगे एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग लिखेंगे हिस्सा, ठीक है बच्चों, हिस्सा, ठीक है जी, क्या करेंगे कि थोड़ा सा दरमियान में बेटे गैप छोड़ें, आप लोग इधर लिखें अलिफ, हिस्सा अलिफ बेटे हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप लोगों का, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। आप लोग बेटे थ्री इस तरह से सर्कल ड्रा करें, फिर टू ड्रा करें, सेंटर में एक ड्रा करें, ठीक है जी, सेम केस दैट हेयर, थ्री फिर टू फिर वन, और आप लोग इधर एक छोटी सी लाइन लगा दें। बच्चों 604 मार्कर को मैंने गेन उठाया, एक लाइन मैंने छोड़ी। बेटे आप लोगों का फर्स्ट सवाल सवाल नंबर दो है, एक लाइन छोड़ के बेटे एक साइड पे आप लोग इधर लिखेंगे सवाल, ठीक है, इसमें बेटे आप लोगों का ये सवाल नंबर दो, इसमें बेटे आप लोगों का जो सवाल नंबर दो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू को जिस आप लोग जो कह रहे हैं, इसमें बेटे नाइन आप लोगों के हैं पार्ट्स, नाइन में से कोई भी सिक्स आप लोगों ने लिखने होते हैं, नाइन में से कोई भी सिक्स बेटे आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होते हैं। बच्चों आप लोगों का आप लोग जोन सा भी उसमें से अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं, सपोज दैट के बेटे आप लोगों को क्वेश्चन है डिफरेंट, उसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा आया कि योम दफ़ा क्यों मनाया जाता है। अब सपोज दैट के बेटे वो क्वेश्चन आप लोगों का है कि योम दफ़ा क्यों मनाया जाता है, वो क्वेश्चन नंबर थ्री जोन सा जुज नंबर है, आप लोग इधर वही पुट करेंगे, जोन सा जुज नंबर है बेटे, अगेन बता दूँ, आप लोग वही क्या करेंगे इधर पुट करेंगे। बेटे मैं क्या करता हूँ, मैं 605 मार्कर उठाता हूँ, एक लाइन छोड़ता हूँ, ये सेंटर में आप लोग लिखेंगे। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर थ्री क्या आप लोगों का वो जूज थ्री बनता है, आप लोग बेटे क्या करेंगे इसको सेंटर में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है जी, सेंटर में लिखे, कोई कोई बच्चे स्टार्ट में लिखते हैं, ठीक है बेटे, ये गलत नहीं है जो आप लोग साइडों पे लिख देते हैं ना, ये गलत नहीं है, लेकिन हम बेटे प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के चक्रों में हैं, ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा पेपर जो है वो एग्जामिनर के सामने जाए तो उसको लगे कि यार पेपर में कोई खास बात है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये लिख दिया सेंटर में, ठीक है, योम दफ़ा क्यों मनाया जाता है, पूरा सवाल बेटे लिखने नहीं आप लोगों ने बैठ जाना, ठीक है, आप लोग बेटे एक साइड पे आप लोगों की हेडिंग आएगी योम दफ़ा, मैं वर्ड लिखता हूँ जस्ट योम दफ़ा, बेटे आप लोग क्या करेंगे योम दफ़ा की आप लोगों की ये हेडिंग आ गई, आप लोग इतनी सी इसकी हेडिंग यूज़ करेंगे योम दफ़ा। बेटे इसमें मुकम्मल क्वेश्चन बच्चे लिखने बैठ जाते हैं, टाइम वेस्ट ना कीजिएगा खुदारा, आप लोग बेटे इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब अंडरलाइन करने में थोड़ी सी बेटे एहतियात कीजिएगा, कुछ बच्चे इसको ना क्रॉस करते हैं, क्रॉस नहीं कीजिएगा, इतना सीशा इसका छोड़ के लाइन लगाएं आप लोग, इस तरह से बेटे आप लोग इसको अंडरलाइन करेंगे। आप लोग बेटे क्या करेंगे, ये पूरा सवाल लिखेंगे, थोड़ा इधर से आप लोगों की अगर ये हेडिंग खत्म हो रही ना तो साइड से इधर से आप लोगों का नया लिखना स्टार्ट करेंगे। आप लोग बेटे लिखेंगे कि योम दफ़ा, मुकम्मल बेटे इसका आंसर आप लोग लिख देंगे योम दफ़ा, उसने लिखा 6 सितंबर, 6 जो सितंबर है, आप लोग बेटे ये ना इसको थोड़ा सा अगर हाईलाइट करके लिख देते हैं ना, थोड़ी सी ये इसमें कर लेते हैं हट के, टाइम थोड़ा सा आप लोगों का लगता है, लेकिन बेटे ये क्या है कि
पेपर के लिहाज से की चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ज़्यादा अच्छा हो जाता है पेपर अपनों का प्रेजेंट अच्छा ज़्यादा हो जाता है। इसमें 6 सितंबर को अपने वतन आप पट लिखेंगे योम दफा अपने वतन की फतह की खुशी खुशी आप बट इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे खुशी में अपने लिए मनाया जाता है ताकि एक बार फिर दुश्मन को बताया जाए कि आज इस तरह से बेटे मुकम्मल आप लोग आंसर लिखेंगे। मैं आप लोग के एक आंसर मुकम्मल लिख के बेटे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की ये चीज़ें माइंड में पुख्ता हो जाएं। बेटे आप लोगों की प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है नंबर अच्छे गेन होने के लिए ना जी। आप लोग इस तरह से बेटे मुकम्मल क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है जी। मुकम्मल क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग लिख देंगे, क्वेश्चन मुकम्मल नहीं लिखेंगे, जस्ट हेडिंग यूज। बेटे यहाँ पे क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया, ठीक है। आप लोग बेटे क्या करेंगे, डियर स्टूडेंट्स आप लोग बेटे पेपर अपना लीजिएगा, ठीक है। जो 60 बेटे मेरे पास 5 मार्कर है, इसको ना बेटे सेंटर में पेपर घुमाएंगे नहीं आप लोग, ठीक है। या एक ही तरह से आप लोग बेटे क्या करेंगे, इस तरह से ना इसको अरेंज करके बिल्कुल सेंटर में, ठीक है जी। बच्चों इस तरह से लाइन आप लोग इतनी सी ड्रा कर देंगे। अब इसको बेटे लाइन को ड्रा आप लोग इतनी सी कर देंगे। अब इसका क्या है कि ऊपर वाला पोर्शन आप लोगों का सेपरेट हो गया। अब नीचे बेटे आप लोग नेक्स्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं इसी पोर्शन का, आप लोग बेटे कोई और क्वेश्चन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सपोज दैट के बेटे आप लोग कोई क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट आ जाता है कि 1965 के सदारती इंतहाबात के नतज बयान करें, सपोज दैट के आप लोगों का वो 5 है उसका ना जुज, आप लोग बेटे 5 ही इधर लिखेंगे, ठीक है। हालांकि आप लोगों का तो क्वेश्चन ये 1 था, ये 2 बनना चाहिए, आप लोग इधर 2 लिखे। नो, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया आप लोग वही यूज़ करेंगे, ठीक है जी। आप लोग बेटे सेम इसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। अब 1965 के सदारती इंतहाबात, अब आप लोग बेटे मुकम्मल क्वेश्चन ना लिखने बैठ जाइएगा, काइंडली अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। आप लोग लिखेंगे बेटे जस्ट हेडिंग यूज़ कर लें, 1965 के सदारती इंतहाबात, सदारती इंतहाबात, ठीक है जी। ये बेटे जो ब्रेक कट वाला मार्कर मैं यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों के पास, उससे आप लोग बेटे के लिख देंगे, ठीक है जी। आप लोग बेटे क्या करेंगे, आप लोगों ने इतना सा लिख दिया, डेयर स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे, ब्लैक से इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। ब्लू और ब्लैक का ना आप लोगों को पता है कि ये थोड़ा सा ना कम्बिनेशन अच्छा है, इसमें प्रेजेंट अच्छी थोड़ी सी नज़र आ रही है। आप लोग बेटे इस तरह से इसको अंडरलाइन कर दें। आप लोग इसको दरमियान में एक छोटी लाइन ड्रा कर सकते हैं, फुल लाइन हो जो थोड़ी सी छोटी लाइन हो, ठीक है। सेम आप लोग इधर भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग का बेटे इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो जाता है। आप लोग इसका आंसर इस तरह से लिखते जाएंगे। अब मैं इधर मुकम्मल नहीं लिखूंगा बेटे, हम अपने टाइम को सेव करेंगे। डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे कि इसका आंसर ये यहाँ पर अगर एंड हुआ है ना, तो आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से बेटे ये आप लोगों को इस तरह से चलता जाएगा। आप लोग का बेटे ये पोर्शन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये क्या होता है कि मुकम्मल हो जाता है जी, यहाँ पर सपोज दैट मुकम्मल हो जाता है। बच्चों आप लोग क्या करेंगे, मोटे वाला कट वाला जो मार्कर है उससे बेटे सेंटर में सेम जैसे हमने बेटे पहले लाइन ड्रा की है, आप लोग सेंटर में बच्चों क्या करेंगे, लाइन ड्रा कर देंगे। सपोज दैट कि आप लोगों का क्वेश्चन बेटे यहाँ पे कंप्लीट होता है, ऊपर वाली लाइन के बिल्कुल ट्राई करें कि लाइन आप लोगों की इक्वल आनी चाहिए, इसमें प्रेजेंटेशन मैच हो जाएगी आप लोगों की ना, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको बेटे क्या करें, आप लोग लाइन दरमियान में लगा दे। इस तरह से बेटे क्वेश्चन 2 आप लोगों का मुकम्मल होता है। सेम पैटर्न से बेटे आप लोगों का आगे सवाल नंबर 3 है जो वो हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो भी हिस्सा लिख के अंदर आएगा, वो आप लोग इसके अंदर मुकम्मल लिख देंगे। पहले 2 बेटे पोर्शन आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन के हैं, ठीक है। उसके बाद बेटे आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेटे आप लोग क्या करेंगे, बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का हिस्सा बे होता है, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन है हिस्सा अलिफ होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बेटे हिस्सा बे होते हैं। सपोज दैट कि आप लोग इधर से लॉन्ग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ब्लैक से आप लोग बेटे हेडिंग दे हिस्सा, ठीक है जी, हिस्सा की हेडिंग दे हिस्सा, ठीक हो गया। अब इसमें जस्ट आप लोग लिख दें हिस्सा बे, ठीक है जी। आप लोगों ने बेटे लिख दिया जी हिस्सा, उसमें बे लिख दिया, ठीक है।
अब बेटे जो मोटे कट वाला मार्कर मेरे पास है 6065 है बेटे, इससे आप लोग बेटे क्या करेंगे, सेंटर में मोटे कट वाले से 605 से सेंटर में आप लोग लिख देंगे जी तफसीली, तफसीली पोर्शन हमारा स्टार्ट हो गया ना जी, आप लोगों की हेडिंग बनेगी तफसीली सवालात। बेटे जस्ट आप लोग ये हेडिंग यूज़ करते हैं, कोई ज़्यादा इतना नाम मतलब कि चीज़ों को एक्सप्लेन करें, जस्ट आप लोग लिख दें जी तफसीली सवालात। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो तफसीली सवालात का पोर्शन 3 क्वेश्चन, उसमें से कोई भी 2 आप लोगों ने सेलेक्ट करने हैं, हर क्वेश्चन के 8 नंबर हैं, 16 नंबर का आप लोगों का लॉन्ग पोर्शन बेटे है। सपोज दैट मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे आप लोगों का, मैं इधर लिखता हूँ सवाल नंबर आप लोगों का ये 3 होगा ना जी, मैं लिखता हूँ डियर स्टूडेंट्स सवाल नंबर 3। ठीक है जी सवाल नंबर 3 बच्चों मैं लिखता हूँ आप लोगों का। सपोज दैट कि पहला क्वेश्चन है जी, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश के क्याम के असबाब और असरात का जायज़ा ले। बेटे जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे मुकम्मल क्वेश्चन लिख दें, कोई मसला नहीं है, लॉन्ग में मुकम्मल आप लोग क्वेश्चन लिख दें। बेटे मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ, आप लोग प्यारा करके लिखेंगे जी मशरकी, ठीक है जी मशरकी पाकिस्तान, मशरकी बेटो पाकिस्तान की अलहदगी, ठीक है जी, क्योंकि लॉन्ग दो ही बेटे आप लोगों ने लिखने होते हैं, उसके लिए इतना शॉर्ट ज़्यादा लिखने होते हैं, बार बार क्वेश्चन लिखे टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, लॉन्ग में मुकम्मल आप लोग क्वेश्चन लिख दिया करें बेटे, कोई इसमें कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है, और मतलब पाकिस्तान का बेटे पेपर कोई इतना ज़्यादा लेंथी भी नहीं होता, ठीक है आप लोगों का बेटे टाइम पर ये पेपर हो सकता है। बांग्लादेश के क्याम क्याम के असबाब असबाब और असरात का जायज़ा लें। बेटे इस तरह से आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग इसकी बेटे इस तरह से हेडिंग यूज़ करेंगे जायज़ा लें। बेटे जब आप लोग इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे बेटे, सेंटर में ब्लैक से एक लाइन छोड़ के आप लोग बेटे जवाब की हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है जी जवाब की बेटे क्या कर सकते हैं आप लोग हेडिंग दे सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का बेटे आप लोग इस तरह से आंसर लिखना शुरू कर देंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बेटे जितनी हेडिंग्स आप लोगों की बनेगी, हर हेडिंग को बेटे आप लोग ऐसे ही एज इट इज साथ साथ लिखते जाएंगे। सपोज दैट के इसकी अलहदगी हैं, उसके बांग्लादेश के असबाब हैं, आप असबाब जितने भी हैं हर एक सेपरेटली हेडिंग यूज़ करके लिखें, इस तरह से असरात को भी बेटे आप लोग इस तरह से लिखें, ये बेटे आप लोगों का पैटर्न है। इस तरह से पाक स्टडी का बेटे पेपर आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है, डिफरेंट हेडिंग्स दे के बेटे आप लोग पेपर लिखेंगे, इस तरह से आपके पेपर की जो प्रेजेंटेशन है ये बेटे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बेटे प्रेजेंटेशन से आप लोगों के मार्क्स क्या होते हैं कि ज़्यादा अच्छे आते हैं, पेपर चेकर जो होता है एग्जामिनर होता है वो इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम।